हैं। दूसरी बात ये, और बाजार की जो पार्किंग का जो मुद्दा है उस पर अभी तक, जबकि वो पार्किंग जब शुरू हुई थी उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी, वो कार्य 1 महीने तक स्थगित कर दिया गया था, उसके बावजूद फिर उस पर कार्य चला है, आज वहाँ रेस्टोरेंट खड़ा है। उसके बाद फिर ये मुद्दा उठा था, ये न्यूज़ चली थी कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी से पूछा गया था कि आपने अपर बाज़ार की पार्किंग में किस तरह से ये रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है, तो उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी ये जवाब दे रहे थे कि बोर्ड में इस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के बाद हमने ये रेस्टोरेंट खड़ा किया है, ये कार्य किया है। तो उस पर मैंने कमेंट्स किया था कि नहीं, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जी झूठ बोल रहे हैं, ये बोर्ड में ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है। तो इस वाले विषय पर आज हमारे अध्यक्ष जी ने मुझसे ये प्रश्न किया कि मैडम आप अभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखना बंद नहीं कर रही हैं, जबकि वो जो हमारा प्रस्ताव था वो बल मैंने पारित किया था बोर्ड में। तो मैंने यही कहा कि नहीं सर, ये गलत है, मैं हर बोर्ड को अटेंड करती हूँ, हर बैठक में उपस्थित होती हूँ, लेकिन आपने ये प्रस्ताव नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर ही नहीं आता है, तो पीठ पीछे रजिस्टर में क्या लिखा जाता है मैं इस चीज़ को भी नहीं जानती हूँ। तो हो सकता है कि वो और उनके बोर्ड के अन्य सदस्यों ने ये स्वीकृत किया हो, लेकिन इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी और ना ही ये बात बोर्ड में रखी गई थी। तो उनका इसी बात पर आज इस तरह से प्रश्न किया गया और मेरा उनका इस तरह से जवाब देना, इस तरह से उन्होंने मेरे साथ इतनी अभद्रता की, इतनी गाली गलौज कि मेरे केविन से निकल और मैं तुझे पुलिस थाने में फंसा दूंगा, और 3 बजे के बाद ही मेरे केविन में आकर यहाँ पर मुझे मिलना, और क्या है तू, मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, 3 बार मैं जीत कर आ चुका हूँ, इस तरह से बहुत सारी बातें में मुझसे इस तरह कही गई हैं। उतने लोगों के बीच में वहाँ पे मेरे 2 वार्ड मेंबर भी थे, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 6 के, और नगर पालिका के कर्मचारी भी थे, अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी लोगों के साथ उनके बीच में रहकर मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की गई है, आज आज ही नहीं, ये आज चौथी बार मेरे साथ ऐसा किया गया है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि आज मुझे एसपी मैम से मिलकर उनकी राय लेनी पड़ी, उनको अपनी ये बात कहनी पड़ी, इसलिए कि मेरे कार्यकाल को तो अब 2 साल हैं, लेकिन मेरे बाद जो महिलाएं आएंगी उनका तो सम्मान होना चाहिए नगर पालिका में। इस तरह से अगर महिलाएं अपमानित होती रहेंगी तो फिर नगर पालिका में आने का किसका मन करेगा? कोई अपने लिए, अपने लिए हम आवाज़ नहीं उठा रहे, अपने वार्ड के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं अपने किसी पर्सनल मैटर के लिए ये मुद्दा नहीं उठाती हूँ, अपने वार्ड के लिए, अपने पौड़ी की जनता के लिए, पौड़ी क्षेत्र के लिए, पौड़ी नगर के लिए, कि यहाँ जो गलत होता है उसके लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। और इस पर अगर कोई आदमी मुझे थाने में घसीटने की मुझे धमकी देता है तो इस चीज़ पर मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। और कल कहीं पर भी मुझे या मेरे परिवार को अगर कोई भी क्षति हानि होती है तो यहाँ पर मैं नगर पालिका अध्यक्ष को ही इस चीज़ में सबसे पहले घसीटूंगी कि ये इनका हाथ था, क्योंकि इन्हों ये मुझे चौथी बार धमकी दे चुके हैं इस तरह की। सर से भी मिलूंगी, कमिश्नर सर से भी मिलूंगी, इन सब से मिलकर अपनी इस बात को रखूंगी। देखिए अनीता रावत जी बहुत सम्मानित सभासद हैं पौड़ी की, वार्ड नंबर 7 की, और लगातार अपने वार्ड की समस्याओं को उठाने का प्रयास करती हैं। जो इन्होंने जो सार्वजनिक पार्किंग है नगर पालिका परिषद पौड़ी, जिस पार्किंग पर एक रेस्टोरेंट वहाँ पे बना रही है रामला ग्राउंड के निकट, उसका इन्होंने सोशल मीडिया पे विरोध किया था, जिसको लेकर जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं इनसे रंजिश रखते हैं, लगातार इनके साथ बदसलूकी करते हैं, आज भी उन्होंने वहाँ पे बदसलूकी की। तो आज हम इस सिलसिले में SSP पौड़ी से मिले हैं, इसके बाद जिलाधिकारी से मिला जाएगा, कमिश्नर साहब से मिला जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो महिला आयोग या मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पौड़ी में आपने एक ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया हुआ है जो महिलाओं का सम्मान ही नहीं करता। इस व्यक्ति पर पहले भी महिला उत्पीड़न के मुकदमे चले हैं, मॉलेस्टेशन का मुकदमा चला है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा चला है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये अब जनता को भी देखना है, पौड़ी की जनता को भी देखना है कि क्या ऐसा व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष
बने रहने के योग्य है।